बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी में से फोर ईयर सीरीज़ को शुरू किया हुआ है हम लोगों ने, और इसका चैप्टर नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। अब अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना है, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने सॉल्व किया, इसी तरीके से हम लोग 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन फार्मूला हम लोग ने ये वाला यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है कि इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी जो कांस्टेंट लिमिट है 2p फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ये फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो 2p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, p इज इक्वल टू 2/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ए नॉट फाइंड आउट करना है, फिर ए एन, फिर बी एन। ये फोरियर जो कोफिशेंट होते हैं ये फाइंड आउट करके हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फोरियर सीरीज का रिजल्ट आ जाएगा। तो मेन फंक्शन हमारे पास ये वाला है, ए नॉट का फार्मूला क्या होता है, 1/p अपर लिमिट लोअर लिमिट f(x) और ये dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए नॉट 1/p, p कितना आया 1, अपर लिमिट कितनी है, ये वाली अपर लिमिट होती है, ये वाली लोअर लिमिट होती है, f(x) है 2x+1 और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2, x को इंटीग्रेट करेंगे x²/2 होता है, ठीक है, प्लस 1, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, और लिमिट 2 से लेकर 0 तक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x² + x, और लिमिट कितनी है 2 से लेकर 0 तक। पहले x की जगह पे हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम लोग x की जगह पे क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट। तो पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2² + 2 माइनस लोअर लिमिट 0² + 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 2 - 0, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ए नॉट का हमारे पास रिजल्ट आया 6, तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू हम लोग देख देंगे वो कितनी आई, 6 आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन का जो फार्मूला होता है हमारे पास, ए एन का फार्मूला होता है 1/p अपर लिमिट लोअर लिमिट f(x) cos (n)πx/p और यहाँ पे dx, ठीक है। तो हमारे पास ये p की वैल्यू 1 है, तो ये अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट 0 है, f(x) कितना है 2x+1, और ये है cos (n)πx/p कितना 1 और ये dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से लेकर 0 तक, 1 को 1 पे डिवाइड करो 1 आ जाएगा, 1 को समथिंग से मल्टीप्लाई करो ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है 2x+1, और ये हो जाएगा cos (n)πx और ये dx। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो, और इसको सॉल्व कर दीजिए। आप लोग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2, और इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो कितनी आ जाएगी sin (n)πx डिवाइडेड बाय (n)π और यहां पे dx। अब देखें हम लोग जब cos (n)πx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x+1 sin (n)πx/(n)π, और लिमिट इसकी कितनी है 2 से लेकर 0 तक, माइनस ये वाला हमारे पास आ जाएगा 2 कांस्टेंट, इसको पहले लिख लेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2/(n)π पहले लिख लिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस cos (n)πx/(n)π, और लिमिट कितनी है 2 से लेकर 0 तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब x की जगह पे हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो sin n pi 2 हो जाएगा, मतलब sin 2n pi, क्या हो जाएगा sin 2n pi। हमें पता है कि sin 2n pi किसके इक्वल होता है, 0 के। जब 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे अपर लिमिट पुट करो sin 2n pi 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे sin 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है।
तो ए नॉट हमारे पास 6 आया। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसमें से ए एन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये ए एन हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस ये वाला प्लस प्लस 2 ओवर n² π² ये एन इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये पाई इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई 2 माइनस कॉस एन पाई एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट की ये वाली आ गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ओवर n² π² कॉस 2 n पाई, एन पाई 2 या 2 n पाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और माइनस कॉस एन पाई 0, एन पाई को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये हो जाएगा 2 ओवर n² π² ये 0, 0 को समथिंग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ए एन का हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें से बी एन की वैल्यू निकालेंगे, और ए नॉट ए एन बी एन की जब हमारे पास को जब कोई रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग उसको स्टेरिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमें पता है कि जो बी एन का फार्मूला होता है वो होता है 1 ओवर p अपर लिमिट लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स डॉट साइन एन पाई एक्स ओवर पी, और यहाँ पे लिखते हैं डी एक्स, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारे पास बी एन का फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग फंक्शन की वैल्यू और लिमिट पुट करके इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसको मैंने यहाँ पे रेज कर दिया, ये रेज हो गया। अब बी एन इज इक्वल टू 1 ओवर p कितना है हमारे पास, 1, अपर लिमिट कितनी है 2 से लेकर 0 तक, एफ ऑफ एक्स क्या है 2x+1, और यहाँ पे साइन एन पाई एक्स और पी कितना आया 1, और ये डी एक्स। इसको अगर हम लोग सिंपल लिख लें तो ये हो जाएगा 2 से लेकर 0 तक 2x+1 साइन एन पाई एक्स और ये डी एक्स। अगर साइन एन पाई एक्स को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। ये 2 एक कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लिया 2 से लेकर 0 तक, ये एक्स साइन एन पाई एक्स और ये डी एक्स, प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट कितनी 2 से लेकर 0 तक साइन एन पाई एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब देखें ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पे कोई और फंक्शन है नहीं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। साइन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस में चेंज हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और लिमिट कितनी है 2 से लेकर 0 तक, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। साइन को इंटीग्रेट करेंगे किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, कॉस एन पाई एक्स ओवर एन पाई और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। प्लस प्लस इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का फंक्शन कॉस में चेंज होगा, माइनस कॉस एन पाई एक्स ओवर एन पाई और लिमिट कितनी है 2 से लेकर 0 तक इसकी लिमिट, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे माइनस माइनस प्लस, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे साइन में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो साइन 2 n पाई हो जाएगा। साइन 2 n पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो अगर लोअर लिमिट साइन के फंक्शन में 0 पुट करें फिर भी क्या होगा, 0। तो ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको हम लोग बी एन को सॉल्व करते हैं। तो बी एन हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस मैंने पहले शिफ्ट कर दिया, माइनस 2 अपर लिमिट एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे 2, और एन पाई भी मैंने बाहर निकाल लिया ये वाला, ठीक है। कॉस एन पाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, एक्स की जगह पे जब 0 पुट करेंगे सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस ये सारा 0, क्यों 0, क्योंकि कॉस को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस का फंक्शन साइन में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा तो एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे, साइन 2 n पाई 0 होता है, साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो प्लस माइनस माइनस ये एन पाई मैंने बाहर लिख लिया 1 ओवर n पाई, और इसकी जगह पे मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एन पाई 2 माइनस कॉस एन पाई और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये 2 2 का कितना हो जाएगा 4,
माइनस फोर ओवर एन पाई, और कॉस टू एन पाई किसके इक्वल होता है, एन पाई टू या टू एन पाई वन के इक्वल होता है, माइनस वन ओवर एन पाई कॉस एन पाई टू वन के इक्वल होता है, कॉस जीरो भी वन के इक्वल होता है। तो ये हो जाए हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर ओवर एन पाई। बी एन का रिजल्ट कितना आया हमारे पास, फोर ओवर एन पाई। अब हम लोगों ने ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल ली, तो उसको पुट कर देंगे इक्वेशन स्टेरिक में। तो पुटिंग ए नॉट ए एन बी एन वैल्यूज इन इक्वेशन स्टेरिक, जब स्टेरिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फोरियर सीरीज का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने रेज कर दिया और इसको पुट कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक में। जब स्टेरिक इक्वेशन में पुट करेंगे देन फोरियर सीरीज हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू ए नॉट, कितना आया था, सिक्स आया था हमारे पास, प्लस इन्फिनिटी वन, ए एन हमारे पास जीरो आया था, और कॉस एन पाई एक्स पी कितना आया था, वन, प्लस बी एन कितना आया, माइनस फोर ओवर एन पाई, और ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स ओवर पी वन। ठीक है, ये रिजल्ट है। सिक्स को टू पे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, थ्री, प्लस वन से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर ओवर एन पाई साइन एन पाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसको वन पे डिवाइड करो साइन एन पाई एक्स आ जाएगा। अब इसमें से फोर और पाई जो कांस्टेंट होते हैं उनको पहले लिख लिया करें, तो ये हो जाएगा माइनस फोर ओवर पाई ए कांस्टेंट, इन्फिनिटी वन से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट, और ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स ओवर एन। ये हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फोरियर सीरीज का, तो ये फाइनली इसका रिजल्ट। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। हमें पता है कि जो एक्स का मॉड होता है वो इवन फंक्शन होता है। ठीक है, एक्स का मॉड क्या होता है, इवन फंक्शन है। अब यहाँ पे ये एक इवन फंक्शन है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। ठीक है, इसके बराबर कर दें, और यहाँ पे माइनस वन लेस देन इक्वल टू, ये लिमिट, इसकी अपर लिमिट ये है वन और लोअर लिमिट ये क्या है, माइनस वन। लिमिट सेम है, एक लिमिट पॉजिटिव हो दूसरी जब नेगेटिव हो, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। बरन ये एक इवन फंक्शन है, ये क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग उन्हें फाइंड आउट करना है इसमें से फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज का ये वाला फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ए नॉट ए एन और बी एन जो कि फोरियर कोफिशियंट होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास फोरियर सीरीज आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन, ए नॉट का फार्मूला क्या होता है, वन ओवर पी अपर लिमिट लोअर लिमिट, और ये एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ इसकी क्या होती है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, उसको टू पी का इक्वल करते हैं, तो ये हो जाएगा टू पी इज इक्वल टू टू पी इज इक्वल टू हो जाएगा टू ओवर टू, ये वन के इक्वल हो जाएगा। तो वन ओवर वन अपर लिमिट कितनी है इसकी, वन, लोअर लिमिट माइनस वन, वन माइनस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमें पता है कि ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है तो एक लिमिट पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, तो इसका रिजल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, टू लेके अपर लिमिट को वैसे लिखते हैं, लोअर लिमिट को जीरो कर देते हैं, और ये एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स। तो ये होता है फॉर इवन फंक्शन, जब यहाँ पे फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन हो। ये एक्स का मॉड है, एक्स का मॉड एक्स के बराबर होता है, और ये हमें पता है कि ये इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स की जगह पे माइनस एक्स का मॉड किसके बराबर होता है, वो भी प्लस एक्स का मॉड, प्लस एक्स का मॉड किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो वन को वन पे सॉल्व करो वन आएगा, अब यहाँ पे टू लगा लेंगे, ये ऊपर वन नीचे जीरो, और ये वन माइनस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है, इवन है। अगर इवन फंक्शन है, अगर ऑड फंक्शन हो तो इसका रिजल्ट जीरो के बराबर होता है, अगर ये इवन फंक्शन हो तो इसका रिजल्ट बराबर होता है, टू लगा के अपर लिमिट सेम रहने देते हैं, नीचे वाले को जीरो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख देते हैं। वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर टू, लिमिट कितनी है, वन से लेकर जीरो। अब इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
ये 2 वैसे का वैसा x की जगह पे पहले आप पार्लियामेंट पुट करेंगे, माइनस x की लगे जगह पे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। ये पुट कर दिया हम लोगों ने, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 ओवर 2 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2 माइनस 1 1 ओवर 2 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1। ए नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी। ए नॉट हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया, ए नॉट का रिजल्ट हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसमें से ए एन और बी एन। तो ए एन का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 ओवर पी अपर लिमिट लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स ओवर पी और यहाँ पे डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि पी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट माइनस 1 है, एफ ऑफ एक्स कितना है 1 माइनस एक्स, एक इवन फंक्शन है, कॉस एन पाई एक्स कितना पी कितना 1 और ये डी एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एक इवन फंक्शन है, कॉस एक्स का फंक्शन इवन फंक्शन होता है, ये मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें इवन और ऑड फंक्शन मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइट सा बता रहा हूँ कि ये इवन फंक्शन है। इसको मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रूव करवा दिया था। अब ये इवन फंक्शन है तो 2 स्टार्ट में लगा लो, ऊपर वाला 0, 1 नीचे वाला 0, 1 माइनस एक्स और ये कॉस एन पाई एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन ले लो, ये सेकंड फंक्शन ले लो और इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2 वैसे का वैसा फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड की इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स ओवर एन पाई और लिमिट कितनी है 1 से लेकर 0 तक, माइनस माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एन पाई एक्स ओवर क्या आ जाएगा एन पाई और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, ये फंक्शन आ जाएगा। अब देखें एक्स की जगह पे जब अपर लिमिट पुट करेंगे साइन एन पाई, साइन एन पाई किसके बराबर होता है 0 के, 0 को समथिंग से यहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे सारा 0 हो जाएगा। फिर ये मैं ये 2 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा मैंने से आगे, तो इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जब साइन का फंक्शन आ जाए आप लोगों को पता है कि साइन पाई पे क्या होता है 0 होता है। ये देखें जब साइन की जगह एक्स की जगह पे अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन एन पाई, साइन एन पाई 0 होता है तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये देखें ये 2 ये 0 सारा, ठीक है, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 आ जाएगा और ये वाला एन पाई भी मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और लिमिट इसकी कितनी है 1 से लेकर 0 तक और फंक्शन क्या है यहाँ पे साइन एन पाई एक्स और ये डी एक्स, ये फंक्शन आ गया, ठीक है। अब साइन एन पाई एक्स की दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो 0 हो गया 2 ओवर एन पाई और साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एन पाई और लिमिट कितनी है 1 से लेकर 0 तक, ये एन पाई बाहर निकाल लिया, माइनस को भी बाहर शिफ्ट कर दिया 2 ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट। अब इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा माइनस 2 ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई किसके इक्वल होता है माइनस 1 की पावर एन, कॉस एन पाई 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ये देखें कॉस एन पाई 0, एन पाई 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। कॉस एन पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एन पाई क्या होता है माइनस 1 की पावर एन के बराबर। अब क्या करेंगे इसको अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें या इवन या ऑड के लिए चेक कर दें, जब माइनस 1 की पावर एन के साथ कोई कॉन्स्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो हम लोग इवन या ऑड के लिए वैल्यूज चेक करते हैं, ठीक है। When n is even, मतलब इसमें 2 पुट करें माइनस 1 की पावर 2 क्या होता है प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ए एन का जो हमारे पास पहला रिजल्ट आएगा इवन के लिए वो क्या आएगा 0। When n is odd, odd का मतलब यहाँ पे 1 पुट कर दो, माइनस 1 की पावर 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2
माइनस टू को टू से माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोर ओवर एन स्क्वायर पाई का स्क्वायर। ये हमारे पास आर्ड पे वैल्यू आएगी, ये हमारे पास इवन पे वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ए एन हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग ने लास्ट में फाइंड आउट करना है बी एन का रिजल्ट। बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर इसमें पुट कर देंगे फोरियर सीरीज के फार्मूले में, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फोरियर सीरीज का बी एन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वन ओवर पी अपर लिमिट लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर पी और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। तो वन ओवर पी कितना, वन, अपर लिमिट कितनी है वन, माइनस वन, फंक्शन क्या है वन माइनस एक्स, और ये है साइन एन पाई एक्स पी कितना वन और ये डी एक्स। अब ये क्योंकि ये इवन फंक्शन है, ठीक है, ये इवन है, ये साइन का फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। अगर ये इवन फंक्शन है मतलब प्लस आता है एफ एफ एक्स के साथ, ऑड फंक्शन के साथ क्या आता है स्टार्ट में माइनस आता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। या ऐसे भी समझ लेते हैं कि इवन फंक्शन को ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करें या ऑड फंक्शन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ऑड फंक्शन आता है। तो ये क्योंकि हमारे पास टोटल ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है, एक लिमिट पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो और सेम हो, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है इसका वन माइनस एक्स साइन एन पाई एक्स डी एक्स का, ये किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ये फार्मूला मैंने समझाया ताकि एक लिमिट पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो और यहाँ पे फंक्शन किसके बराबर होता है, जीरो के, जब ये फंक्शन क्या हो, ऑड फंक्शन हो। हमें पता है कि साइन का फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन को इवन फंक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ऑड फंक्शन आएगा और इसका रिजल्ट किसके बराबर, जीरो के। तो हम लोग ने फाइनली हासिल किया कि बी एन किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल आया। अब ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज हम लोग ने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। इसको हम लोग फोरियर सीरीज के फार्मूले मतलब स्टेरिक इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास फोरियर सीरीज का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसको रेज कर दिया हम लोग ने। अब यहाँ पे आप लोग ने लिखना है कि पुटिंग ए नॉट, पुटिंग ए नॉट ए एन बी एन वैल्यूज इन स्टेरिक, तो फोरियर सीरीज हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू। ए नॉट का हमारे पास रिजल्ट कितना आया था, वन आया था, प्लस एन इज इक्वल टू वन। ए एन हमारे पास जीरो आया, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, प्लस बी एन का रिजल्ट हमारे पास ये आया था और ये किसी एक आर्ड वैल्यू पे आया था, ठीक है। तो फोर एन की जगह पे क्या पुट करोगे, टू एन माइनस वन और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिखोगे और पाई स्क्वायर और साइन एन पाई एक्स पी कितना था, वन था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट वन ओवर टू प्लस ये फोर ओवर पाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट होते हैं, इनको पहले लिख लिया करो, वन से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट फोर ओवर टू एन माइनस वन इसका स्क्वायर, बल्कि ये पहले लिख लिया हम लोग ने साइन एन की जगह पे क्या लिखोगे, टू एन माइनस वन पाई एक्स। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। जब आर्ड पे कुछ रिजल्ट आ जाता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, ए एन और बी एन में अगर आर्ड पे कुछ रिजल्ट आता है, जीरो नहीं आता, तो हम लोग एन की जगह पे क्या पुट करते हैं, टू एन माइनस वन पुट करते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली इसका